नमस्कार, एमएमसी न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा छात्राओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि अब लड़कियां घर की जीनत बनकर न रहे, बल्कि वह भी अब समाज में कदम से कदम मिलाकर चल सके। इसी को लेकर जनपद के ग्रामीण इलाकों में भी छात्राओं के इंटर तक की शिक्षा के लिए गर्ल्स कॉलेज की स्थापना किया गया है। इसी कड़ी में जनपद गाजीपुर का गहमर गाँव, जो एशिया के सबसे बड़े गाँव में शुमार है, साथ ही फौजियों के गांव के नाम से भी जाना जाता है, इस गांव में गर्ल्स इंटर कॉलेज की स्थापना किया गया था, लेकिन इसके निर्माण के समय मानक और इसके गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया और तत्कालीन सरकार और विभाग ने आनन फानन में विद्यालय को ऐसी जगह बना डाला जहां पर हमेशा गांव का गंदा पानी लग जाता है। मौजूदा समय में पिछले एक माह से इस कॉलेज में गाँव का गंदा पानी जमा हो चुका है, जिसके चलते पिछले एक माह से विद्यालय बंद चल रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि एक माह से विद्यालय बंद चल रहा है और आने वाले फरवरी माह में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली है, तो यहां पढ़ने वाली छात्राओं का कोर्स कैसे पूरा होगा, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इसको लेकर जमानिया विधायक सुनीता सिंह और जिला विद्यालय निरीक्षक ओम प्रकाश राय ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हम लोग बहुत दिन से संज्ञान ले रहे हैं और कुछ टेक्निकल कारण है, शिक्षकों की व्यवस्था हो रही है, यहाँ डीएस अभी हैं, अभी बहुत सारी चर्चाएं उसी विद्यालय पर हुई, तो उस विद्यालय को भी जल्द ही जल्द अपनी, हम लोग चाहते हैं कि वो अपनी भव्यता में जो पहले था वैसा आ जाए। आज स्थिति कुछ है, बताया जा रहा है कि उसमें कॉलेज में जो है पिछले एक माह से गांव का ही जो है पानी पड़ा हुआ है, जिसमें जो निकल इसके बाद कुछ उसकी बनावट ऐसी है जो नीचे है, तो उसके लिए भी कुछ व्यवस्था हो रही है, अभी पानी वानी निकलवाने का भी काम होगा। और अभी चूंकि पानी लगने के वजह से ही बच्चे नहीं आए हैं, तो पहले से ही बहुत पुराना विद्यालय है, तो पानी वहाँ लग जाता है बरसात का या बाढ़ का, तो उसके लिए भी व्यवस्था होगी। जहाँ तक जीजीआईसी गहमर की बात है, वो गाँव के ऐसी जगह पर स्थित है कि जहाँ पर पानी पंपिंग सेट से निकाला जा रहा है। आप भी देख रहे हैं, पानी थाने के सामने, स्कूल के सामने, गहमर इंटर कॉलेज के सामने भी कल भी परसों भी पानी सड़क पे जाम हो जा रहा है। हम लोग उसकी व्यवस्था कर रहे हैं और निश्चित रूप से उन बच्चों का ध्यान है हमें जो है, हम उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था करके उसको पूरा कराएंगे।